तो हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। तो आप लोग कैसे हैं? कल सभी लोगों ने जन्माष्टमी में कृष्ण जी की पूजा पाठ की होगी। अच्छा लगा होगा सभी को, हमको भी बहुत ही अच्छा लगा। तो ये सुबह का टाइम है और यहाँ पर हम पूजा अर्चन का जो भी सामान था वो सब कुछ देख रहे थे कि सारा कुछ है। ऐसा तो नहीं है कि कुछ मिस हो रहा हो तो हमें लाना पड़ेगा, तो वही चीज़ हम देख रहे थे। तो जब त्यौहार रहता है तो एक अलग ही उत्साह सा रहता है। मैंने यानी कई महीनों बाद होम थिएटर बजाया और उसमें ना कान्हा जी के भजन थे, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद थोड़ा सा मैंने स्लो कर दिया था क्योंकि पाठ पूजा करनी थी इसलिए। और यहाँ फ्रेंड्स, आज है व्रत और आज है जन्माष्टमी, तो रील बनाना है। सोचे हैं कि शॉर्ट वीडियो बना लें एक दो। पहले मैंने सोचा कि श्रेया सो जाते हैं, तो बोलती हाँ मम्मी सो जाते हैं, पर ये बोलती है कि नहीं सोना नहीं है मम्मी, चलो वीडियो बना लेंगे। तो हम और श्रेया देखते हैं, श्रेया बनेगी कान्हा जी और हम बनेंगे अपने कान्हा की यशोदा मैया, है ना? श्रेया अभी मना कर रही है कि उसे ना दिखाओ, क्योंकि वो तो अभी पगड़ी वगड़ी बना रही है। श्रेया तू कान्हा जी नहीं लग रही है, कान्हा जी के पिताजी लग रहे हैं, जो टोकरी में कान्हा जी को लेके आते हैं। ले जाओ वासुदेव। वासुदेव उनका है जो टोकरी में रख के लेके आए थे। हाँ, और नंद वो है जो यशोदा जी के हस्बैंड जी हैं। हाँ, और क्या बोलते हैं, देव की मैया उनकी माता है, तो सगी माँ। तो यहाँ पर श्रेया को देखो, सगी माँ से ज्यादा देखो सब पालने वाली माँ होती है। तो आप लोगों ने देखा श्रेया को, देखते हैं कौन सी वीडियोस बना सकते हैं। श्रेया बोल रही हम आउटफिट की बोले हैं, आउटफिट ना तो बस हमारी एक बिंदी बस रहेगी। बेइज्जती कर देते हो आप हमारी बेब का। तुम हमको ना वो हमारी आंखों में काला काला पोत दोगी, हम अपनी अभी सजाएंगे। तुम अपना करना, मेरे को कुछ नहीं करना, हम सिर्फ सिंगल बिंदी लगा लेंगे। उधर देखो हम पेंट रखे हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीजें रखी है, दिखाते हैं लोगों को सामान रखा हुआ है इसका। तो यहाँ पर मैं श्रेया को पायलें पहना रही थी, बोलती मम्मी पायल पहना दो, पैर अच्छे लगेंगे। और शुक्ला जी, जैसे पता है कि वो पूजा करवाने जाते थे, जैसे ये तीज त्यौहार पड़ता है तो संतान सप्तमी हो गया, हर चट हो गया, महालक्ष्मी हो गए, ये सब पूजा करवाने भी जाते थे। तो उनके कुछ यानी कुर्ते वगैरह भी थे, तो वो मैंने कुछ कुछ दे दिए, कुछ रखे हुए थे, तो वही श्रेया बोल रही थी। तो यहाँ पर ये देखो शुक्ला जी की है ये धोती, तो पहनी हुई है। तो फ्रेंड्स, बाकी सारी चीज़ें तो मैंने ये गले वाले में पहना था, उतार दिया है। श्रेया बनी थी कान्हा जी और हम बने थे राधा भी, यशोदा मैया भी। जैसा गाना आया वैसा हमने यानी डांस भी कर लिया। अग्नों की पूजा होती है तब मैंने वेयर की थी, और ये साड़ी धुली भी नहीं थी, क्योंकि बोलते हैं जब ऐसी पूजा में जाते हैं तो धोते नहीं हैं। तो मेरे को जो जैसा बोल देता तो मैं वैसे ही करती थी, मैंने धोई भी नहीं थी ये साड़ी और अभी भी नहीं धुली है, और मैंने आज ये साड़ी वेयर की है। और वही यानी चूड़ियाँ तो अलग हैं, पर ये सब चीज़ें मेरी पहले की हैं। मैंने अभी यानी कि कुछ भी ऐसा मैं लेती ही नहीं हूँ, तो सारी चीज़ें पहले की है। मैंने साढ़े तीन साल बाद वेयर की है, 4 साल बाद। तो बाकी वीडियो पे आप लोगों को दिख जाएगा, यानी कि जो मैंने वीडियो बनाई हुई है। तो ये साड़ी मुझे कॉटन की है और बहुत अच्छी लगती है, तीसरी बार पहन रही हूँ जब से आई है। साड़ी को तो हो गए करीब 5-6 साल हो गए आए, पर मैंने ये शुक्ला जी थे जब उनके सामने 2 ही बार पहनी थी, मैं पिक्चर लगा दूंगी, और आज ये तीसरी बार। क्योंकि मेरी आदत है, मैं चीज़ें ना बहुत संभाल के रखती हूँ, संभालने के चक्कर में ऐसा समय आ गया कि मैं पहन ही नहीं पाती हूँ। तो अभी मेरी फ्रेंड का कॉल आया था, उसने मेरे को ऐसे देखी तो आँखों से उसके आंसू आ गए, जो कि आप लोगों को पता है मेरी सब्सक्राइबर हैं, और ज़रूरी नहीं है कि यानी कि खून का ही रिश्ता हो, वो इतनी अच्छी बहन है मेरी। मुझे देखकर वो रोने लगी थी कि मैंने बोली रो क्यों रही हो, तो बोलती है ऐसे ही रहा कर, मैं ऐसे रहूँगी तो मेरे को दुनिया नोच खाएगी।
मेरे दुनिया तो चलो दूर दूर है, थोड़ी दुनिया दास है दूर दूर, पर ये आसपास के लोग हैं जो समाज है रिश्तेदार है ये लोग मुझे नोच खाएंगे। पर कोई ना, जैसा अपन चाहें अपन वैसा रह सकते हैं, ऐसे सोच के चलेंगे तो फिर अपन जी नहीं पाएंगे। तो उसने भी कुछ कुछ माला वगैरह पहनी हुई थी तो वो टूट के मोती बिखर गए, तो मैंने बोला ठीक है मोती मैं उठा लेती हूँ, तो सारे मोती मैं यहाँ पर उठा रही हूँ। अच्छा लग रहा था और यानी थक भी गए थे और बारिश बहुत जोर की हुई थी, अभी धूप निकल आई जब हम लोग रील बना रहे थे तब बारिश हो रही थी, तो मैंने बोला कि जब बाहर थोड़ा सा अच्छी वीडियो बन जाती, तो एक ही वीडियो बनाई थी जो कि श्रेया के चैनल पर अपलोड है। तो अब करेंगे हम पूजा की तैयारी कि चूड़ियां उतार दें हम। सिर्फ रील के लिए मैंने पहना हुआ था, यही ऐसा मौका रहता है तीज त्योहार के कारण हम थोड़ा सा अच्छे बन जाते हैं, खुश हो जाते हैं थोड़ी देर ये सब वीडियोस बना करके। और पहले ये चीज़ रहती ना कि हमारा यानी कि सभी लोग वीडियो अपलोड करते हैं तो मन करता है कि सभी लोग वीडियो अच्छे अच्छे बना रहे हैं तो हम भी चलो करते हैं, तो कम से कम इसी बहाने हम लोग यानी कि हम खुश भी हो जाते हैं, मस्ती भी हो जाती है, समय भी बीत जाता है, अच्छा भी लगता है और एक याद भी अपनी कैप्चर हो जाती है कि हाँ ये चीज़ हमने इस दिन की थी। तो पूजा करेंगे तो ये कमल पहनेंगे। अब पूजा की तैयारी करनी है, इधर से ज्यादा दिखाओ गोदी आओ तो गोदी लाओ तो हम ग्राम नहीं मैं तो अपना वीडियो शूट कर रही थी, इसका पता नहीं अचानक से मन किया, बोलते मम्मी गोदी ले रहे हैं तो वो शूट हो गया, तो फिर मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये ऐसी मस्ती करती रहती। अब जाएंगे हम पूजा की तैयारी करेंगे, खाना वगैरह बनाएंगे, देखते हैं क्या बनाना है। और मैंने ये जो गेहूँ वगैरह ये सारा कुछ बोरी में भर के रख दिया था और प्रसाद वगैरह देखते हैं क्या बनाना है भगवान जी को भोग के लिए। और ये पगड़ी बनाई गई थी मेरे दुपट्टे से, क्या क्या कलाकारियाँ करती है श्रेया भी, तो इसको वही खोलेगी, उसी से बोलेंगे कि खोल के इसको फोल्ड करके रखो वरना ये फिर ख़राब सी दिखने लगेगी। तो मैंने ना लाइनर वगैरह लगाया था और फिर मैंने उसके बाद ये कंगन भी पहन लिया है, तो ये कल के लिए ब्लॉग शूट हो रहा है। कि आज जितना मैंने शूट किया है वो मैं आप लोगों को आज ही शेयर कर दूँगी, और आज अभी थोड़ी इसके बाद जो मैं बातें कर रही हूँ ना, अब जो स्टार्ट हुआ है ये वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा, जन्माष्टमी जो पूजा होगी वो कल मिलेगा। तो करीब यहाँ पर 7:30-8 बज रहा था और मैं बना रही थी भगवान जी के लिए प्रसाद। तो आज धना की पंजीरी होती है तो यानी बनती है, तो यहाँ पर मैंने धना मिक्स यानी मिक्सर में पीस लिया था खड़े धना, और थाली यानी पूजा की तैयारी कर रही हूँ और उसमें जो आटा रखा हुआ था शुद्ध आटा उसमें यानी घी भी मिला करके और मैं भून कर पंजीरी बनाऊँगी, क्योंकि प्योर धने की उसमें धना की पंजीरी बनती है प्योर, पर हमने इसमें मिक्स करके बनाया हुआ है। तो पूजा की तैयारी यानी प्रसाद वगैरह तो सारा कुछ हो गया है,
मैं श्रेया से भी पूछ रही थी कि श्रेया कुछ कमी तो नहीं समझ में आ रही है, इत्र शायद वगैरह बाकी की चीजें वहां पर रखी हुई फ्रेंड्स है। पूजा 9 बजे करेंगे हम, और अभी कितना बज रहा है, अभी 8 बज रहा है, तो हमारे ब्लॉक का टाइम है। तो अभी हम किचन में जा रहे हैं, थोड़ा सा सफाई करेंगे, प्रसाद की तैयारी हो गई है, वहाँ पर भी हो गया है भगवान जी के इधर, यहाँ पर भी श्रेया ने तैयारी कर दी है भगवान जी की यहाँ पर। तो बस धूमधाम से पूजा करेंगे हम। मेरी अभी तबीयत बिल्कुल डाउन हो रही है, व्रत भी है और अच्छा भी, यानी कि हालत नहीं है, वीकनेस सी लग रही है। चेहरा तो कैसा लग रहा है आज, ये बिंदी मैंने और लगा ली, तो यहाँ पर भी लगाया था पर वो ज़्यादा ऑड लग रहा था, तो मैंने फिर उसको हटा लिया। मैंने बोला ऐसे ही ठीक, श्रेया के कारण मैंने ये सब किया था, और मैंने साड़ी पहनी थी, हाथों में चूड़ियाँ भी नहीं थी, तो बोल रही थी मम्मी चूड़ी पहन लो, मम्मी गले में कुछ पहन लो, फिर मैंने जैसे ही मेरा रील शूट हुआ तो मैंने फिर उतार दिया था सारा कुछ। तो बहुत अजीब सा लग रहा था। अभी बारिश हो रही है जोर की, और मैं उससे बोल रही हूँ श्रेया से, एक तो कपड़े धो लिए उसने अपने और हमने भी ढेर सारे धो दिए, तो नीचे डले हुए हैं, तो मैं बोल रही हूँ उससे कि तुम ले आओ, देखो मायने में दिख रहे हैं, 300 सुहाना दिख रही है, ये आईने 400 सुहाना दिख रही है, 2 मोबाइल में, एक आईने में, एक हम, ऐसा भी हो जाता है।